हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव आयुष ने। तो साथियों, फिर आज हंटर 350 से अलग आज कुछ नया काम करते हैं और आयुष ने मंगाया अपना एक आइटम, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे साथियों। तो आयुष, क्या अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज आप? नया टैबलेट मंगाया अपने लिए, बेसिकली घर के लिए है एक। ओके, चलाएंगे इसे। ओके, तो साथियों, एक आयुष ने एक टैबलेट मंगाया है, अभी बहुत अच्छा टैबलेट है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं कौन सा टैबलेट है। एक एक बात आयुष पूरा एक्सप्लेन करना अपने व्यूअर्स को, बताना है आपको कि क्या टैबलेट है, क्या इसका आपने ऑफर में लिया है, क्या इसका प्राइस है। तो साथियों, करते हैं अनबॉक्सिंग इस टैबलेट के लिए। तो आयुष, शुरू करो अपना अनबॉक्सिंग इस टैबलेट का। तो ये है वन प्लस का पैड 2। बॉक्स काफी शानदार लग रहा है यश। तो दोस्तों, इसका जो साइज है वो है 12.1 इंचेस। अभी इसे थोड़ा साइड रखता हूँ। इसका जो निकला है, ये इसमें जो मैनुअल है वो होगी, बाकी 67 वॉट का सुपर बुक चार्जर है वन प्लस की तरफ से, और इसमें आई गेस सी टू सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं ए टू सी का केबल है इसमें, तो सही है। 67 वॉट भी काफ़ी है, क्योंकि 9500 mAh की इसकी बैटरी, तो ये काफ़ी चलेगा, आप आराम से 2 दिन निकाल सकते हो इस टैबलेट के साथ मेरे हिसाब से, बाकी तो यूसेज में चलेगा। अब इस टैबलेट को खोल के दिखाता हूँ। जो साइज है इसका काफी ऑलरेडी मैसिव है, देखो ये अभी तो ऑफ है, शायद यही बटन होना चाहिए आई गेस। साइड में देखो, ये स्पीकर्स हैं इसके सारे, आई गेस इतने यहाँ पे होंगे। ये सी टाइप है, ये इसका माइक होगा और सेकेंडरी माइक एक यहाँ पे और है। अब बस मुझे ये देखना है पावर बटन ये है या फिर ये है, लेफ्ट वाला तो नहीं है आई गेस, ओनली वॉस नहीं, हो गया यही था ये, फिर वॉल्यूम बटन होंगे दोनों। तो इस टैबलेट की अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं, तो इसमें अभी तक जो लेटेस्ट हमारा चिप आ रही है वो है 8 Gen 3, और जिस हिसाब से इसका साइज है उस हिसाब से तो ये हल्का ही है मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा भारी नहीं है। बाकी से पूरा सेट करता हूँ मैं अभी, और ये जो मैंने वेरिएंट मंगाया है ये है 12 GB रैम, 256 GB का स्टोरेज, और इससे नीचे वेरिएंट है 8 GB रैम और 128, वो मैंने नहीं मंगाया क्योंकि मुझे स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, और बस दोनों में 3000 का फर्क था, मैंने चलो फिर बड़ी साइज़ वाली मंगा लूँ। अभी ये सेटिंग कर रहे हो? हाँ जी, सेट कर रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन ओएस इसमें ऑक्सीजन ओएस आता है वन प्लस का खुद का। ओके, बाकी तो एंड्रॉइड ही है भी, एंड्रॉइड 14 जो अब यूज करने में है वो तो बड़ी मेरे को शानदार लग रहा भाई, इतना मैसिव है बढ़िया सा। बाकी इसका एक केस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बार बार रख नहीं सकते, जैसे सामने ऐसे रखना हो एक केस की जरूरत है। इसमें सेटिंग्स कहाँ से होगी, ये होगा आई गेस। सेटअप तो बेसिकली सेटअप तो हो चुका है ये, अभी मैं इसे बाद में बाकी चीजें करूंगा इसमें। तो इसमें है 8 Gen 3 प्रोसेसर, जो कि सबसे बढ़िया चीज है और अभी तक लेटेस्ट चिप है। बाकी मेरे पास जो एक फोन है IQ 12,
इसमें भी 8 Gen 3 आता 256 GB वेरिएंट और 12 GB रैम। इसका भी अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, इसका भी अनबॉक्सिंग मैंने पूरा दिखाया था। बट अगर हम टैबलेट की बात करें तो शायद फोन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज है वो UFS 4.0 है। इस टैबलेट में UFS 3.1 आता है, लेकिन विच इज ऑल्सो नॉट बैड, वो भी काफी अच्छा है। तो ये भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा हमें। तो बाकी मैं इसका कैमरा दिखा देता हूँ, कैमरा कुछ ऐसा है इसका, यहाँ पे अकीरा बैठा है। कैमरा डिसेंट है, फ्रंट का ऐसा कुछ दिखेगा, फ्रंट के लिए भी जो फेस टाइम वगैरह के लिए है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। ये रहा सैंपल, ये फोटो आए इसके बहुत बेहतरीन, ये फ्रंट से है। उसका बैक कैमरा भी जो देख रहे फोटो खींचे थे, ये बैक का है, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम बहुत बढ़िया हो कैमरा इसका, लेकिन लोगों से बात बात करने के लिए बहुत सही है, इनफ है काफ़ी। तो आराम से गूगल मीट वगैरह हम कर सकते हैं इसमें। बाकी अगर इसमें यूट्यूब वगैरह देखें तो वो भी दिखा देता हूँ, एक बार वाईफाई कनेक्ट कर लूँ। यूट्यूब में आपको दिखा देता हूँ एक बार हमारी वीडियो चला के। यूट्यूब सेट कर दिया बेसिकली, अभी सेट तो पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे करूंगा, अभी तो गूगल आईडी वगैरह डल जाएगी। इसमें हम थार रॉक्स वाला देख लेते हैं, जैसे हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव चंद्र, ये है थार रॉक्स, बहुत प्यारा कलर शोरूम में लगा हुआ, 19 इंच की अलॉय, क्वालिटी कुछ ऐसे होगी। और ये स्पीकर का रिस्पांस है, ये फुल वॉल्यूम है, और मार्केट में तहलका मचाने को तैयार, सेटिंग ऑफ अक्टूबर से। स्पीकर काफी सही है, बाकी इसमें अगर मैं थोड़ा कंटेंट भी डाल के देखूंगा वो पता चलेगा और कैसा लगेगा। अभी मेरे को भी थोड़ा इसके जेस्चर से यूज होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इतने बड़े स्क्रीन पे जेस्चर चलाने की अभी आदत नहीं है। सही, मुझे परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी इसकी, काफी सही है। ये इसका सेटिंग पेज है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे देखेगा, रोटेट भी फटाफट हो जाता है। तो वैसे दोनों में भी मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है बहुत इसकी। और जब पीछे है ना, पीछे आप देखेंगे तो ये मेटल बॉडी है, प्लास्टिक नहीं है। बाकी ये इसका स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको एक स्क्रीन गार्ड तो लगवाना ही पड़ेगा, और एक वो भी ज़रूरत है, केस की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे बार बार नहीं चला पाओगे, रख के सामने रखना है तो केस में आप ऐसे भी या थोड़ा ऐसे करके भी देख सकते हो। इसमें लेटेस्ट 14.1 आता है ऑक्सीजन। तो अभी तक तो इसका एक्सपीरियंस हमारा कुछ ऐसा रहा है, बाकी हम एक इसका डिटेल रिव्यू भी बताएंगे थोड़े दिन बाद कि कैसा हमारा इसका एक्सपीरियंस रहा पूरे टैबलेट का। और अभी तक तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी लग्जीरियस है। और मैं इसका अगर मैं प्राइस बताऊं तो इसका प्राइस करंटली जो इस वेरिएंट का 12 GB 256 तो वो है 43,000। बट अभी अगर आप वन प्लस की साइट से लेते हो ना तो बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस पे। मैंने भी काफी सस्ता लिया है, मैं अपना नहीं बताऊंगा कि कितने का लिया, लेकिन आप अगर खुद देखें तो आपको खुद पता चल सकता है। मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें MRP भी अभी 2000 का चल रहा है डिस्काउंट, और जिसपे 41 का पड़ जाएगा। और अगर आप कार्ड का यूज करोगे ICICI या कोटक का तो 3000 वैसे कम हो जाएगा, और एक्सचेंज बोनस भी काफी अच्छा है इसमें, बाकी स्टूडेंट ऑफर। और अगर आपका रेड क्लब वन प्लस का कोई डिवाइस ऑलरेडी चला रहे हैं और उसे साइन इन करके और लेंगे तो उसमें और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट डिस्काउंट भी काफी अच्छा है, मैंने कई सारे डिस्काउंट लगाए और मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे ये मिला है, इसलिए मैंने अभी एकदम से फटाफट ले लिया, मैंने डिले नहीं किया ज्यादा। और सबसे बढ़िया बात बताऊं तो ये अगस्त में ही रिलीज हुआ, अगस्त में रिलीज हुआ था, मतलब 43 का, विच इज वेरी ऑलरेडी अ गुड प्राइस। बट इसमें अगर 2 महीने बाद भी मेरे को उसके बाद भी बहुत अच्छे प्राइस से मिला है, तो आप देखिए इस डील को मिस ना करें और वन प्लस की साइट पे जाके बिल्कुल से चेक करें। थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी आप व्यूअर्स को समझा दो एक बार इसके। हाँ, मैंने अभी जैसे बताया इसमें सबसे बढ़िया चीज है इसकी जो चिप है वो है 8 Gen 3,
8 Gen 3 अभी तक लेटेस्ट है, 8 Gen 4 अभी शायद आने वाला है, लेकिन 8 Gen 3 जो मैं इस फोन में यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी, मेरे को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक इसने, एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हर चीज में, इसलिए मैंने ये वाला OnePlus का Pad 2 सेलेक्ट किया। बाकी मैं भी देख रहा था कि iPad भी ऑप्शन था, Samsung भी ऑप्शन था, तो वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर ये सेम सिचुएशन में तो उसमें लिखूं तो एटलीस्ट मेरे को 60-70 हज़ार का पड़ेगा वो। बाकी इसमें ये है कि इसमें AMOLED स्क्रीन नहीं है, और ये 12 GB का रैम के साथ और 256 GB वेरिएंट के साथ आता है, 3.1 UFS स्टोरेज के साथ। बाकी आई गेस इसका जो क्यूरियर कैमरा वो 13 MP का, फ्रंट का शायद 8 MP का है, मेरे को भी एक बार देखना पड़ेगा ये। और अभी तक बाकी मेटल बॉडी है, और स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी शानदार है, और जो ऑडियो आउटपुट है मुझे बहुत बढ़िया लगा, और जो चार्जिंग की स्पीड है वो है 67 वॉट, जो कि मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। अभी मैं इसे वो भी टेस्ट करके देखूंगा कि 0 से 100 में कितने जल्दी होता है ये चार्ज, और इसकी सुनने से आई थिंक ये 120 पे चल रहा है, और जो इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 144Hz का है। डिस्प्ले का भी मैं दिखा देता हूँ, ये है क्या, ये है इसका, अभी ऑटो पे हो रखा है, हाई से 144 पे चल सकता है और स्टैंडर्ड का 60Hz पे भी चल सकता है, ये ऑटो कर रखा है, ये अपने आप स्पेसिफिकली मतलब कर लेगा कि जो भी ऐप चल रहेगी उस हिसाब से ये अपने आप को सेट कर लेगी कौन से रिफ्रेश रेट पे चलना चाहिए। तो साथियों ये थी अनबॉक्सिंग आपकी OnePlus Pad 2 की, जो कि टैबलेट था, बहुत शानदार तरीके से आयुष ने आपको समझाने की कोशिश की है, और कैसे क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या ऑफर चल रहे हैं इसके ऊपर, और क्या प्राइस में मतलब ये आपको मिल सकता है OnePlus की साइट पे। तो साथियों ये कुछ वीडियो था अनबॉक्सिंग का, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने नियर इंडिया के साथ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, उससे आपको नोटिफिकेशन आए जब जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर। साथियों मिलते हैं आपको अपने किसी अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।